हजारीबाग जिले में इस बार पड़ी प्रचंड गर्मी ने कहीं न कहीं कई जलाशयों पर अपना असर दिखाया है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, यहाँ पर छड़वा डैम जो तकरीबन सूख चुका है और विभाग बता रही है कि महज 10 दिन का ही पानी यहाँ पर शेष बचा हुआ है और एहतियातन जो है अगले 2 दिन के बाद से महज 2 घंटे ही यहाँ पर जलापूर्ति की जाएगी। ऐसे में कह सकते हैं कि हजारीबाग वासियों का हलक का प्यास कैसे बुझेगा, ये एक अहम सवाल है। इन सबके बीच कह सकते हैं कि लगातार जो यहाँ के कई ऐसे जलाशय हैं वहाँ भी यही अमूमन तस्वीर दिख रही है और इस बार की प्रचंड गर्मी ने कहीं ना कहीं 45 का भी आंकड़ा पार किया है, तो कह सकते हैं कि इस बार काफी भयावह स्थिति बनी है। खासतौर पर यदि जलापूर्ति की बात की जाए तो अभी भी बहुत ज्यादा कुछ विभाग के तरफ से नहीं किया जा सकता, क्योंकि तमाम जो जलाशय है वो सूख गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण जलाशय है जिससे यहाँ पर शहरी जलापूर्ति की जो योजना है वो इसी पाइपलाइन के जरिए यहाँ पर से गुजरते हुए हजारीबाग के इंद्रपुरी इलाके तक जाती है, जहां से पूरे शहरी क्षेत्र में जो है यहां पर घरों तक नल के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। और कह सकते हैं कि इस बार जैसे जैसे और तिथियां बढ़ रही है, ये जो जून का महीना यहां दस्तक दे चुका है और अब ऐसे में इंतजार रहेगा कि कब वर्षा रानी की मेहरबानी होती है और बारिश यहां पर होता है, तब जाकर कहीं जलाशयों को जो प्यास लगी है उनकी प्यास बुझेगी, जलस्तर बढ़ेगा, उसके बाद यहां पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिन लोगों को यहां से पानी जलापूर्ति की जाती है उनको मुकम्मल पानी मिल पाएगी। अभी तस्वीरें कई जगहों से बहुत भयावह है, जहां पर पानी के लिए कह सकते हैं कि अहले सुबह से ही लोग मशक्कत करते हैं और इन सबके बीच अभी जो एकमात्र सबसे बड़ा जल स्रोत है वो भी सूखने के कगार पे है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कब यहां पर बारिश होती है और जल स्रोतों में जल का स्तर बढ़ता है, उसके बाद ही कहीं जाकर यहां पर भी राहत मिलती दिख सकेगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं न्यूज 11 के लिए अमित कुमार।